सो हे एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे ही मेरी कॉलेज से ऑफ हुआ तो मेरा कल कुछ फंक्शन टाइप है, तो मुझे अपनी आईब्रोज करवानी थी। तो आईब्रोज करवाने के लिए मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था, क्योंकि मैं उन्हीं से करवाती हूँ। तो क्योंकि वो मेरी काफ़ी अच्छी आईब्रोज बना देते हैं, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पार्लर वाली दीदी कुछ और ही बना देती है मुझे, कुकर टाइप। सो मेरी ये आईब्रोज हो चुकी हैं, आप देख सकते हो कि उन्होंने काफ़ी अच्छी शेप दी है, मेरी दी ने शेप दी है। मेरी आईब्रोज हो चुकी हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई उन्होंने जैसे भी मेरी आईब्रोज बनाई है। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने इवनिंग टाइम पे अपने आईब्रोज करवाए थे, तो इवनिंग टाइम पे मैंने आईब्रोज कराए थे। उसके बाद मुझे एक चीज़ करनी पसंद है जो कि मैं नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम वर्क, मुझे बाहर जाना था किसी काम से। तो आईब्रोज करवाने के बाद मेरे फेस पे थोड़ी सी आईब्रोज हो गए, अपर लिप्स हो गए, उसको करवाने के बाद मेरे फेस पे ईचिंग सी होने लग जाती है। तो उसको हटाने के लिए मुझे फेस पे एलोवेरा लगाना पसंद है। आप लोग बोलोगे एलोवेरा फिर से आ गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एलोवेरा। तो आज मैंने ये देखो मैंने आईब्रोज करवाए हैं। तो आईब्रोज मैं काफ़ी रेयर करवाती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज अगर हो भी जाती हैं उसके बाद भी लगती नहीं है करवाने वाली, क्योंकि वो अपनी शेप में प्रॉपरली रहते हैं। आज कुछ ज़्यादा शेप आ गई है। तो आईब्रोज करवाने के बाद मुझे ये मैंने घर पे लगाया हुआ है, तो मैंने यही वाला लगाना है। इसको लगाने से इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है यार, अब मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैंने शाम को मैं नहीं लगा पाई। शाम को किसी काम की वजह से, फिर मैं जैसे ही घर वापस आई तो मुझे याद आया कि मुझे एलोवेरा लगाना था। तो और इसे मैं अभी नहीं तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही तोड़ के रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं इसे अब रखा हुआ था ये, तो मैं वही अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसको वॉश करने के बाद आप खुद अपने फेस पे चेंजेस देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि कलर चेंज हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाओ, मतलब इंटरनली क्लीन काफ़ी हो जाओगे। और मेरी आईज काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो इनको करवाने के बाद आईब्रोज को करवाने के बाद मेरी आईज में ना यहाँ पे स्वेलिंग सी आ जाती है। जब हम कॉन्टिन्यूसली स्पेक्स लगा के रखते हैं तो ये स्पेक्स वाले काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। सो मेरा एलोवेरा लग चुका है, अब जैसे ये ड्राई होगा मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इंटरनली पड़ेगा, बट बेस्ट बाय। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और एज यू कैन सी माय फेस, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्रेशिंग फील हो रहा है मुझे एलोवेरा लगाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, माई ब्लॉग ऑल्सो। सो टाटा बाई।